ये नेता दो मुहिया साफ है। अभी तक तो टीवी चैनलों पर ये चल रहा था कि शिवपाल जी भाजपा के साथ जा रहे हैं। तारीख भी पड़ गई थी 19 तारीख, 1900 बीत गया, 22 आ गई। अब आजम खान जी के यहाँ जा रहे हैं, तो पहले तो ये तय कर लें कि कहाँ जा रहे हैं, ये तो पहले तय हो जाए। और आजम खान जी एक जो है बड़े नेता हैं, और बड़े नेता जेल में हैं, उनसे मिलना एक अलग बात है। आदमी कोई भी मिल सकता है। हाँ, इस समय जो पॉलिटिकल मामला है, उस पॉलिटिकल मामले में वो उनसे मिलने गए हैं, तो उससे कुछ राजनीति का कोई मतलब नहीं निकल सकता है। हाँ, जहाँ तक चर्चा हो सकती है, प्रदेश में खूब चर्चा रहेगी कि शिवपाल जी मिले। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी गठबंधन, चाहे जयंत जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, या किशोरा पटेल हों, प्रेमचंद प्रजापति हों, आपके संजय चौहान हों, ये हम लोग जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, तो समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से 2022 में आमने सामने लड़ी। ना तो कांग्रेस भी थी, ना तो बसपा भी थी। तो अब ऐसी स्थिति में नया मोर्चा बना के कोई क्या करेगा? नहीं, तो इस तरीके से शिवपाल सिंह का अब ये कहना कि हमको अखिलेश एक प्रकार से निकाल ही दें पार्टी से, इसको किस तरीके लेते हैं? उन्होंने बात की है मीडिया से, कहा कि हमको निकाल दें, हमको भी पार्टी से में रखने का क्या फ़ायदा है? नहीं, क्योंकि 22 के पहले भी तमाम अटकलें थी कि शिवपाल जी और चाचा भतीजे का झगड़ा एक नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी खबरें हमने भी सुना, लेकिन मैं बार बार कहता था कि वो परिवार का झगड़ा है। आपस में जहाँ 10 परिवार होता है तो विवाद होता है। और अंततोगत्वा शिवपाल जी और अखिलेश जी मिली के चुनाव लड़े। और यहाँ तक कि शिवपाल जी की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी से नहीं लड़े, समाजवादी पार्टी सिंबल से लड़े। तो ये परिवार का झगड़ा है, परिवार का मामला, उसमें कोई बात नहीं है। परिवार सब एक है, विचारों से सब लोग एक हैं। आज एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात ओम प्रकाश राजभर, जयंत, अखिलेश और शिवपाल भी करते हैं। हम गरीबों का इलाज फ्री करने की बात सभी लोग करते हैं। जातिवार जनगणना की बात सभी लोग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की बात सभी लोग कर रहे हैं। प्रदेश में अमन चैन भाईचारा हो, इसके लिए सब लोग लड़ रहे हैं। महंगाई से कैसे निजात मिले, इसके लिए सब लोग लड़ रहे हैं। बेरोजगारी कैसे कम हो, इसके लिए तो सब लोग लड़ रहे हैं। तो विचारों के साथ सब लोग एक हैं, परिवार में झगड़ा फगड़ा होता रहता है। लेकिन आजम खान बहुत नारा चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी से काफ़ी लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से हर जिले से नाराजगी की खबरें आ रही हैं सपा कार्यकर्ताओं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कौन सा चुनाव के पहले तो कोई नाराजगी नहीं रही। चुनाव बीता तो कहाँ नाराजगी कोई है। जो नेता हैं वो अपनी जगह हैं, पार्टी अपनी जगह है, और कोई आधी तूफान आता है तो निश्चित है एक आधी डांट टूट जाती है। अब उसको क्या करें जी? अब आपको लेकर के भी चर्चा का बाजार गर्म है कि कब जा रहे हैं, वो तारीख कौन सी होगी? बीजेपी के साथ जब एक प्रकार से गठबंधन की, और या कहें कि उनके साथ जाने की तारीख निश्चित होगी, वो तारीख कौन सी होगी? राजा को पता नहीं, मुशहरा बन पाती, हमको तो खुदा नहीं पता है। अब 2017-18 की फोटो लगा करके वायरल कोई कर दे, अब तो गूगल पे डाल दीजिए, वो बता देगा किस तारीख का कहाँ का फोटो है। तब पूछो कोई कहे, हम जहाँ हैं वहाँ हैं, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम लोग मिलके 2024 के चुनाव की तैयारी। लेकिन सर, जिस तरीके से अब कुछ छूटे लोगों को बीजेपी फिर से साथ ला रही है, और आपकी जो शर्तें हैं या जिस तरीके का बात करते हैं, अगर बीजेपी मानती है तो क्या वो दरवाज़ा खुला है और उस पर आप जाएंगे? आप कहाँ मान रही है आज बताओ? देश में संविधान बीजेपी मान रही है, कानून को मान रही है बीजेपी। जितने भी गरीबों के आप, हमने देखा कि एक बेचारा गन्ना का जूस, गन्ना पेड़ की जूस बेचता था, क्या कसूर है उसी के यहाँ बुलडोजर चलेगा? जो 50 साल, 100 साल से, 80 साल से, 40 साल से बसा हुआ है, उसके यहाँ बुलडोजर चला करके गिरा रहे हो? यही कानून है। किस न्यायालय के आदेश से आप गिरा रहे हो? किस सक्षम अधिकारी के आदेश से गिरा रहे हो? आप हिटलर शाही रवैया अपनाए हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 14 के पहले बोलते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को महंगाई का मन नहीं आता है। अब तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो महंगाई का मन नहीं याद आ रहा है? महंगाई कहाँ गई?
यहाँ इतने लोग हैं, पूछ लीजिएगा इसमें से चार छः लोग मिल जाएंगे जिनके घर नींबू कटी नहीं रहा है। सलाद से नींबू गायब है, 15 रुपया में नींबू। पेट्रोल जो 60 रुपया था तो महंगा था, आज 120 रुपया हो गया तो सस्ता है। आज जो डीजल 100 रुपया बिक रहा है, जब 50 था तो सस्ता महंगा था, आज 100 बिक रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सर गेहूँ कहा जा रहा है कि घर घर खरीदेगी सरकार, लोग अब सरकारी जो केंद्र है वहाँ ले ही नहीं जा रहे हैं, गेहूँ ओपन मार्केट में भी महंगा बिक रहा है, अब इसी सरकार में बिक रहा है, इसको लेकर क्या कहना आपको? देखिए भारतीय जनता पार्टी खाता न बही, जवन भाजपा कहे वह सही। खाता न बही, जवन भाजपा कहे वह सही। ये खाली टीवी में बोलते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। आप चलिए किसी थाने में, एक सिंगल थाना बता दीजिए, 1700 पूरे उत्तर प्रदेश में थाने हैं जहाँ रिश्वत न ली जाती हो, जहाँ गरीबों को गाली न दिया जाता हो, जहाँ FIR ना हो रहा हो, एक थाना बता दीजिए। ये कहाँ बतियाएगा कोई, ये खाली गुमराह करके। अब बताइए भगवान हनुमान जी तो बेचारे मंदिर में थे, भगवान राम मंदिर में थे, ये कहिया से मस्जिद में चल गई, अब हुआ जाके भगवा फैला रहे हैं। आप भाई पास करके 24 घंटा हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई मुसलमान मना कर रहा है? लेकिन उनका कहना है कि जो है धार्मिक स्थलों के बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, तो हनुमान चालीसा की भी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी? इसके पहलवा नहीं जाएगी, इसकी कौन गारंटी देगा आप? नहीं, जो कहा जा रहा है पब्लिक डोमेन में जो उनकी तरफ से बात नहीं, आ रही है। नहीं, ये सब फराड है। आप बताइए DJ बज रहा है ना, DJ बज रहा है, आवाज़ कहाँ जा रही है? ज़्यादा गाड़ी हिल जा रही है, हम लोगों की अगर गुजर रहे हैं उस रास्ते से तो गाड़ी हिल जा रही है, उस DJ को कौन बंद करेगा? ये इनके फरमान बहुत हमने पढ़ा है, बहुत सुना है। जब चुनाव आता है तब ये सब ड्रामा शुरू होता है। बंगाल का चुनाव आया तो बहुत से रिफ्यूजी आकर के बंगाल बस गए थे, चुनाव बीत गया सब चले गए। बिहार चुनाव आया तो 300 आतंकवादी आए गिनती से, JP नड्डा जी का बयान था कि 300 आतंकवादी आए, भाजपा ले आओ नहीं तो आतंकवादी यहाँ बस जाएंगे। चुनाव बीत गया, उस सब आतंकवादी चले गए कि बस गए पता ही नहीं। बांग्लादेशी रिफ्यूजी को उत्तर प्रदेश सरकार 5-5, 2-2 एकड़ जमीन भी दे रही है, घर बनवाने दे रही है। कहाँ गया वो नारा कि हम देश से रिफ्यूजी को निकालेंगे, कहाँ गया नारा वो? ये बता दिया ना कि कथनी करनी कुछ नहीं करेंगे। अरे बुलडोजर लगा कर जो गरीब बसा उसको उजाड़ रहे हैं, कहाँ से जमीनियाँ देंगे, इनके घरे जमीन है। लेकिन अब जो है बुलडोजर तो दिल्ली पहुँच चुका है और कह रहे हैं कि जो इंक्रोचमेंट है बाहर का, जो अनाधिकृत तरीके से किया है लोगों ने, उस पर बुलडोजर चल रहा है। MCD किसके कब्जे में थी? MCD BJP के कब्जे में थी, BJP के लोगों ने अवैध कब्जा करवाया है। उस समय कहाँ थी BJP? MCD की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि अब बुलडोजर एक मार्का बन चुका है पूरे इंडिया में, क्योंकि अब तो UP के बाद MP और अब फिर दिल्ली पहुंच गया? नहीं, देश का चुनाव आ रहा है, देश के चुनाव में महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए बुलडोजर और हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। यानी बाबा अब पूरी तरीके से राष्ट्रीय क्षितिज पर जा रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर बाबा का ही कहते हैं, मोदी का तो है नहीं। अब देखिए अब क्या बताएं, अभी तो 24 में बाबा की तैयारी है। गुजराती ऐसे जी हैरान हैं जी, वहाँ जिसको चाहेंगे भीतर, जिसको चाहे बाहर। आप बताइए लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ हैं? भीतर है ना, कहाँ कर दिया? मुरली मनोहर जोशी कहाँ कर दिया? भीतर। ये तो गुजराती लोग हैं, अभी सब लोग नहीं समझ पाएंगे। ये गुजराती पूरे देश में ये जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ें, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये हनुमान चालीसा पढ़ें। अब अमित शाह जी का बेटा BCCI का अध्यक्ष बनेगा, राजनाथ जी का बेटा MLA बनेगा। अरे बक्चो तो लोग जा करके वही मस्जिद में जाके भगवा फहरावे खाली, और कोई काम नहीं है। ये शिक्षा एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए क्यों नहीं लड़ते? है इनके पास दम हनुमान चालीसा बजाने वाले लोग? ये क्यों नहीं कहते गरीबों का इलाज फ्री में होगा? ये क्यों नहीं इसकी लड़ाई क्यों लड़ते हैं? जातिवार जनगणना की बात क्यों नहीं करते हैं? ये खाली हनुमान चालीसा पढ़ ले कुछ वही। अरे घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना। हमारे देश के गांधी जी ने एक चौपाई कहा था, रघुपति राघव राजा राम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। चाहे अल्लाह कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे हनुमान कहो, चाहे शंकर भगवान कहो, 26 भगवान ये देश में हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश को 2024 पहले लाएंगे जरूर राजभर जी। अरे अगर आपके बिना तो कुनबा अधूरा है अभी। कहाँ BJP? हमारे बिना तो सब अधूरा है, और हम अधूरा है ही एक समान शिक्षा अनिवार्य और फ्री बजे, हम अधूरा ही गरीबों के इलाज फ्री के लिए।
हम अधूरा हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए, हम जातिवार जनगणना कराने के लिए हम परेशान हैं। इसको तो कोई करना नहीं चाहता, बीजेपी इस पर सोच रही है तो आप जाएंगे? अच्छा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री ने एफिडेविट दे दिया, हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे तो कैसे मान लें? थैंक यू।